नमस्कार दोस्तों, अब आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको दीपावली का पूजन किस प्रकार करना है जिससे आपके जीवन में आ रही धन की समस्याएं पूर्ण रूप से खत्म हो सकें। यदि आपके ऊपर किसी प्रकार का कर्जा है तो आप उस कर्जे से मुक्त हो सकें। यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है तो आपको नौकरी मिल सके। आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है तो आपका व्यापार भी अच्छे से चलने लगे। तो दीपावली के दिन इन सब समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे अच्छा दिन होता है और इस दिन इसीलिए माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। तो मैं इसमें सभी को बताऊंगा कि किसको किस प्रकार से, व्यापारियों को किस प्रकार से, विद्यार्थियों को किस प्रकार से, जो नौकरी चाह रहे हैं उनको किस प्रकार से, या जो लोग नौकरी कर रहे हैं और उनके नौकरी में समस्याएं चल रही हैं उनको किस प्रकार से, जिनके ऊपर कर्ज है उन्हें किस प्रकार से अलग-अलग लोगों को दीपावली का पूजन करना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले दीपावली की पूजन को किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, भगवान कुबेर की भी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए और हमें दो कलश बनाने चाहिए। एक कलश में हमें सबसे पहले तो नीचे सप्त धान्य मतलब कि 7 प्रकार का अनाज रखना चाहिए। उस कलश के अंदर हमें जल डालना चाहिए, दूबा डालनी चाहिए, कुछ रोली चंदन डालना चाहिए, एक सुपारी डालना चाहिए और एक सिक्का डालना चाहिए। उसके ऊपर पंच पल्लव अर्थात 5 प्रकार के पत्ते, आम के या अशोक के पत्ते, जिसमें अशोक के 5 पत्ते आपको लेना चाहिए और उसके ऊपर रखना चाहिए। और उसके ऊपर एक नारियल जिसमें आप मौली धागा बांधेंगे उस नारियल को उसके ऊपर रखना चाहिए। इसे कहाँ रखें? इसे माता लक्ष्मी के दाहिने हाथ की तरफ रखें। अब एक दीपक आपको गेहूं के ऊपर कलश रखना चाहिए। उस कलश में पुनः आपको सुपारी, सिक्का, दूर्वा डालनी चाहिए, 5 पत्ते रखने चाहिए और उसके ऊपर आपको एक घी का दीपक रखना चाहिए मिट्टी का। दोस्तों, मिट्टी के दीपक को पहले अच्छे से धो करके सुखा लीजिएगा, नहीं तो वो बहुत बार आपका तेल और पानी सूखेगा, जिससे कि हमें ये दीपक रात भर अखंड जलाना है और उसमें कोई बाधा ना आए। इसलिए आप एक बड़ा दीपक लीजिए, उसमें घी डालिए और उसमें एक बड़ी रुई की बत्ती बनाइए और उस दीपक को माता लक्ष्मी के बाएं हाथ की तरफ रख करके जलाएं। इस प्रकार से आपके 2 कलश तैयार हो जाते हैं। माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति के सामने जो जगह है वहां पर नवग्रह बनाएं। तो 9 प्रकार से चावल को रखें अलग अलग जगह और उन जगहों पर आप एक एक सुपारी और हल्दी रख सकते हैं। इस प्रकार आपके नवग्रह तैयार हो जाते हैं। नीचे अष्टदल कमल का चौक, पूरे चौक आप आटे का, हल्दी का और अच्छा सुंदर रंगोली से भी आप चौक पूर सकते हैं। इस प्रकार आप उसके बाद मिट्टी के 16 दीपक जलाइए और माता लक्ष्मी का पूजन, भगवान कुबेर का, भगवान गणेश का पूजन भी करना प्रारंभ कीजिए। इस दिन भगवान विष्णु का भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जब समुद्र से निकली थी तो उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ हुआ था, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु का पूजन भी करना चाहिए। तो इस प्रकार तो दीपावली के पूजन की तैयारी कर लेनी चाहिए। अच्छा, इस दिन धातु का पूजन भी किया जाता है। तो यदि आपके पास पुराने चांदी के सिक्के हों तो उन सिक्कों का भी आज के दिन पूजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यदि इस दिन आप सोने की धातु का भी पूजन कर सकते हैं तो इस दिन धातु का पूजन भी किया जाता है। उन्हें भी अच्छे से सबसे पहले आप भगवान को स्नान कराएं, दूध दही घी शहद शक्कर से, पंचामृत से आप स्नान कराएं। उसके बाद सिक्कों को भी स्नान कराएं, जो आपकी स्वर्ण की धातु है उसको भी स्नान कराएं। इस प्रकार सबको स्नान करा के अच्छे से पोंछ के रोली चंदन चावल से उनका तिलक करें, फूल चढ़ाएं और फिर 16 दीपक जलाकर उनकी आरती करें। ये तो दीपावली के पूजन का विधि विधान हो गया। अब हमको क्या चढ़ाना चाहिए? सबसे पहले तो जिन लोगों के ऊपर कर्ज बहुत अधिक होता है उन लोगों को कमल गट्टे के बीज और कमल गट्टे का फूल और कमल के लाल रंग का फूल माता लक्ष्मी को चढ़ाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपके कर्ज से आपको मुक्ति दिलाएं। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे
अच्छे नहीं हैं या जिन बच्चों को उनके अनुसार रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इस दिन उन्हें माता लक्ष्मी के सामने अपनी किताब और पेन रखना चाहिए और माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी पूजा का फल आप हमें दीजिए और हमारी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी हो जाए, इसमें किसी प्रकार का बाधा ना आए, और अपनी किताबों का भी पूजन करना चाहिए। जो व्यापारी हैं वो अपने बही खाते का पूजन भी आज के दिन करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि व्यापारियों को क्या पूजन करना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न रहें। तो व्यापारियों को धना, जो खड़ी धना होते हैं, और गुड़ का भोग लगाना चाहिए। आप चाहें तो बादाम का भोग भी लगा सकते हैं। इस प्रकार वैसे तो हमारे यहाँ बहुत प्रकार का भोग बनता है जो हम माता लक्ष्मी को लगाते हैं, लेकिन यदि आप व्यापारी हैं और आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है तो आप धना और गुड़ का भोग माता लक्ष्मी के सामने लगाइए, जिससे कि आपके व्यापार में वृद्धि हो, आपकी तरक्की हो। अच्छा, एक और बात, माता लक्ष्मी को आप लाल रंग के, सफ़ेद रंग के या गुलाबी रंग के कपड़े पर ही विराजमान करें, इससे माता प्रसन्न होती हैं और माता लक्ष्मी सदैव हम पर कृपा बनाए रखती हैं। अब इसके बारे में बताता हूँ, जिन लोगों को, जो लोग नौकरी करते हैं, उन लोगों को यदि किसी प्रकार की बाधा आती है तो दीपावली के दिन उनको शाम के समय आटे के 11 दीपक बनाने चाहिए, माता लक्ष्मी के सामने उनको रखना चाहिए, जलाना चाहिए। उसके अलावा इन लोगों को जिनके नौकरी में बाधा आ रही है उन्हें 5 प्रकार का मीठा माता लक्ष्मी के सामने चढ़ाना चाहिए, छोटे रूप में भी थोड़ा थोड़ा भी चढ़ा सकते हैं, और एक नारियल लाल रंग के या गुलाबी रंग के कपड़े में लपेटें और उसको मौली धागा से बांधें और उसको माता लक्ष्मी के सामने रखें और रात भर उसको रखा रहने दें और माता से प्रणाम करें कि हमारे कार्य क्षेत्र में, हमारे ऑफिस में, हमारे जॉब में किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत आ रही है तो उसको आप दूर कीजिए। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि जिन लोगों के घर में वास्तु का दोष होता है, जिन लोगों के घर में ग्रह कलेश होता है, पति पत्नी के बीच में बहुत अधिक झगड़ा होता है या माता पिता और बच्चों के बीच में आपस में तालमेल नहीं है, उन लोगों के लिए भी दीपावली का दिन पूजा करने के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। इस दिन जिनके घर में समस्या है वो लोग मध्य रात्रि के समय माता लक्ष्मी के सामने 11 दीपक जलाएं और जो लाल रंग वाला सिंदूर और केसरिया रंग वाला सिंदूर, दोनों सिंदूर होते हैं जो हनुमान जी को चढ़ता है और माता गौरी को चढ़ता है, दोनों प्रकार का सिंदूर माता लक्ष्मी के सामने समर्पित करें। और आप इस दिन कौड़ियों का पूजन भी कर सकते हैं, कमल गट्टे का पूजन करें जो माता लक्ष्मी को चढ़ते हैं, और इस प्रकार पूजन करने से मध्य रात्रि के समय आपके घर के सारे क्लेश दूर होते हैं और आपके घर में आने वाले सभी बाधाएं दोष दूर होती हैं और आपके घर में माता लक्ष्मी सदैव के लिए विराजमान हो जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित दुबे है, ये वीडियो आप whisper.com पर देख रहे थे, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे Facebook पेज को लाइक कीजिए। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो हमारा फ़ोन नंबर है 9424779469। नमस्कार।